हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता मेरे जो 1,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और 1,000 सब्सक्राइबर से ऊपर हो चुके हैं और 4,000 घंटे भी हो चुके हैं, पर मेरा ये सिंबल जो है रेड है, ये ग्रीन नहीं हो रहा, मोनेटाइजमेंट ऑन नहीं हो रही। इसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च की है। रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि ये अप्रैल के लास्ट में ही मोनेटाइजमेंट यूट्यूब सभी चैनलों के ऑन करेगा, क्योंकि तो 15-15 हज़ार आर्स हो रखे हैं और 9-9 हज़ार सब्सक्राइबर हो रखे हैं। तो डरने की बात कोई नहीं है, अगर आप भी मेरी तरह आपके आर्स पूरे हो चुके हैं और आपके सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं तो डरने की कोई चिंता नहीं है। हाँ, एक बात नोट रखना कि आपके कॉपीराइट स्ट्राइक ना हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, जिसकी गलती मेरी ही थी कि मैं ये चीज़ भूल गया था कि कंटेंट में कुछ और हो, ऊपर थंबनेल कुछ और हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ और लिखा हो तो कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। तो ये मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है। मैंने इसकी पूरी कोशिश की, कंपनी को मैसेज भी किया, पर मुझे इसका वो रिप्लाई यही मिला कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम कंपनी के थ्रू हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि अगर कोई हमारी फ़ोटो या वीडियो चलाता है तो कॉपीराइट स्ट्राइक उनको दी जाती है। मेरे ऊपर क्लेम हो गया कॉपीराइट स्ट्राइक का। तो ये आप देख सकते हो कि ये बागी 2 की फुल मूवी मैंने HD लिखा है, 120 पीस, और उसके ऊपर मैंने बागी 2 की मूवी का फ़ोटो लगा दी थी और अप्रैल फूल मेरी खुद की वीडियो थी, मैं अप्रैल फूल बना रहा था। तो मेरे दिमाग में से ये स्लिप हो गया था कि कंटेंट में जो वीडियो में है वही चीज़ हमें ऊपर दिखानी पड़ती है और टाइटल भी वही देना पड़ता है जो कि हम बता रहे हैं, तो हम उसको कुछ और टाइटल नहीं दे सकते। अगर ये इसका सोल्यूशन कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने ये वीडियो डिलीट करनी है, मैंने उनको बोला भी कि रिक्वेस्ट भी की कि आप मेरे कॉपीराइट स्ट्राइक वापस ले लो, मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा, बट वो नहीं माने। फिर भी उन्होंने कहा हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम नहीं कर सकते, अब आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, मेरी कॉपीराइट स्ट्राइक का सोल्यूशन निकाल सकते हो, तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कमेंट करें कि मैं इसको कैसे करूं। ठीक है, या इसी वीडियो में मुझे कमेंट कर दें, क्योंकि मैं इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही कॉपीराइट स्ट्राइक है, बाकी मैं चैनल क्लीन रखता हूँ। और मेरा आसान तरीका यही है कि जब मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो मैं वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो कितने भी व्यूज़ हो उस पर, तो कई वेले कॉपीराइट स्ट्राइक का हल हो जाता है पर कई वेले नहीं होता, तो मैं खासकर ज़्यादा टेंशन नहीं रहता, मैं सिर्फ वीडियो डिलीट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जैसे कि मैंने ये स्विमिंग कैसे सीखे पार्ट 4 डाला है, ये अभी डाली है, 10-15 मिनट हुए हैं, तो इस पर मुझे 50 व्यूज़ मिल गए हैं और 6 लाइक मिल गए, शायद ज़्यादा मिले होंगे क्योंकि ये मैंने अपडेट नहीं किया। ओके, 8 लाइक मिले हुए हैं और 1 मिनट ये अपडेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मनी डांसर है, दूसरा चैनल है लवली मनी। ठीक है फ्रेंड्स, उस पर मैं जिम की वीडियो डाल रहा हूँ बट उस पर काम कम कर रहा हूँ फिलहाल, मेरा एक ही चैनल पे फोकस है। ये आप देख सकते हो मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, बल्कि मेरा वॉच टाइम, ये मेरी स्विमिंग कैसे सीखे, ये मेरा तीसरा पार्ट बहुत अच्छा चल रहा है, बल्कि इसने मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो इसीलिए मैं अब स्विमिंग की कुछ वीडियो और बनाऊँगा, इसके पार्ट और बनाऊँगा, जो बैक स्ट्रोक है वो सारे बनाऊँगा। जैसे कि ये आप वीडियो देख सकते हो स्विमिंग की, जिसको ये प्रज्वल शर्मा है, इसको मैं ट्रेंड करता हूँ, और ये मेरी वीडियो है जिसमें मैंने सभी चैनलों को सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं आपके चैनल को सपोर्ट करूँ तो मुझे व्हाट्सअप पे आप लिंक भेज दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आपको डरने की बात नहीं है, आप अपना जाके अपना वीडियो अपलोड करें, अपना बेफिक्र रहें, अगर आपके आर्ज पूरे हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके ये आर्ज पूरे हो चुके हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका लास्ट अप्रैल लास्ट में आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, मोनेटाइजमेंट ऑन हो जाएगी, जिसमें आपको पैसे मिलने लग जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको नई नई वीडियो देता रहूँ। तो बहुत जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।